अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या? ये कोयल खानदान की चढ़ाऊ कंगन है। ये लाइए अपना हाथ दिखाइए तो। ये आप मुझे क्यों पहना रही है? लेकिन आंटी, ये मैं अपने पिंकू की होने वाली बहू को पहना रही हूँ। कोयल खानदान की चढ़ाऊ खानदानी कंगन, उसके लिए है ये। ओ, ये तो बहुत प्रिटी है, वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन ये तो आपकी पुरानी बहू के पास होने चाहिए थे ना। मेरा मतलब है, खानदानी कंगन तो बहू के पास ही होते। आपने उसको खानदानी कंगन नहीं दिए थे क्या? छोड़िए ना उसकी बात, क्या कर रही। आप पर कितना सुंदर लग रहा है ये जड़ाऊ कंगन। हाँ, बिल्कुल आपकी माप का। ऐसा लग रहा है जैसे आप इकले बने, एकदम परफेक्ट साइज। मसा तो तब आएगा दादी जी, जब आपको पता चलेगा कि मैं ही पलक हूँ। अगले हफ्ते एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर आपके और पिंकू की शादी करवा दूंगी। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे मलिष्का जी, मुझे पिंकू से और पिंकू के दादू से थोड़ी बात कर लेने दीजिए। बस नजर ना लगे, बहुत महंगे हैं ये, संभाल के रखिए। दादी जी, जितनी जल्दी आपको मुझे अपनी बहू बनाने की है ना, उतनी ही जल्दी मुझे आपसे हर धोखे का बदला लेने की भी। पंडित जी, सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त हो ना, वो बताइए। मैं चाहती हूँ मेरे पोते नहार की शादी जल्द से जल्द अग्नि से हो जाए। अभी देख लेते हैं। दादी, कल कहा था ना मैंने। बेटा, पंडित जी बैठे हैं, हम बाद में बात करते हैं। हाँ, शादी का मुहूर्त भी निकलवा रही है। इन दोनों की जन्म कुंडली के अनुसार नवरात्रि संपन्न होने से पूर्व इन दोनों का विवाह हो जाए तो अति उत्तम होगा। नवरात्रि खत्म होने से पहले, यानी कि सिर्फ 9 दिन, और 9 दिनों में मैं अग्नि का सच कैसे सबके सामने लाऊंगी? मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे अग्नि अपना सच खुद अपने मुंह से कबूल कर ले। हे देवी माँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अब आप भी मेरी मदद कर सकती हैं। प्लीज मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए। प्लीज जी, मुझे एक गिफ्ट बनवाना था लेकिन डिलीवरी आज ही चाहिए। जी जी, जितने भी एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे मैं आपको दे दूंगी, लेकिन काम आज ही हो जाना चाहिए। थैंक यू। अग्नि, आज शाम तुम्हारा सच में सबके सामने बाहर लाकर रहूंगी। ना जी, आपका प्रोटीन शेक। मैंने कुछ और भी सामान मंगवाया था लेकिन नारजी बाहर एक्सरसाइज कर रहे हैं। हे खाटू जी, अब मैं क्या करूं, कैसे लूं अपना सामान? जी भैया, किसके नाम की डिलीवरी है? जी, रूही गोयनका का नाम का पार्सल है।
का पार्सल? ये कैसे हो सकता है? भैया आप मुझे बता सकते हैं ये ऑर्डर कब किया गया था? जी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मेरा तो काम है सिर्फ ऑर्डर पहुंचाना सर। शायद रूही ने जाने से पहले ही ऑर्डर किया हो। सर यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। नार्ची ने पार्सल खोल कर देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये खाडू श्याम जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। जी 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 सब ठीक है। एक सेकंड, ये रूही का पार्सल यहीं तो रखा था मैंने। कौन लेकर गया? किसी ने बाहर से चोरी तो नहीं कर लिया? हम नाहार को बिना बताए उससे बिना पूछे ये सब कर तो रहे, पर माँ जी जब नाहार को पता चलेगा उसे बहुत बुरा लगेगा। देखो सोनी, तुम्हें नाहार के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आना होगा। याद है ना जब अग्नि के समय वो खुद को खो चुका था, तब तुमने और रतन ने उसे रूही के साथ शादी करने के लिए मनाया था और वो मान गया था। मुझे रूही पसंद नहीं थी, फिर भी मैंने उसे अपनाने की कोशिश की ना। लेकिन अब रूही मर चुकी है तो उसे नाहार की जिंदगी से निकालना ही होगा। जी सॉरी बेटा, तुम्हारी छोटी माँ जो कुछ भी कर रही है तुम्हारी भलाई के लिए कर रही। अगर रूही की यादें तुम्हारे कमरे से नहीं दूर होगी तो रूही भी तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं दूर हो पाएगी। अरे मैडम जी ये तो बहुत भारी है, क्या है इसमें? अरे मैडम जी इसमें तो काफी सारा कीमती सामान है, इतनी कीमती साड़ियां हैं, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों दे रही हैं? भैया कुछ चीजें एक वक्त के बाद कबाड़ ही बन जाती हैं, किसी काम की नहीं रहती। आप ले जाइए। मुझे इस झूमर को यहीं तक नहीं चलाना है ताकि अग्नि को ये लगे ये झूमर उसके सर पर गिरने वाला है और वो डर से अपना सारा सच कबूल कर ले। मुझे अग्नि को सिर्फ डराना है, उसे चोट नहीं पहुंचानी है। चुप की कोई गुंजाइश नहीं है। जब अग्नि अपना सारा सच कबूल करेगी और उसका सारा सच इन कैमराज में रिकॉर्ड हो जाएगा, आज तो उसका सारा सच सबके सामने आकर रहेगा।
ही तो 20 में से 10 के आइसक्रीम ले ले, मैं 10 के कॉटन कैंडी लेती हूँ। जल्दी आना, घर भी जाना। अरे मैं तो ध्यान से ही चल रहा था, घंटी भी बजा रहा था। अरे आपका ध्यान कहीं और है तो इसमें मैं क्या करूं? 20 सड़क पर चल रही है, पूरा नुकसान कर दिया मेरे सामान का। सॉरी भैया, मैं आपकी मदद कर देती हूँ सामान उठाने में। भैया, ये सारा सामान आपने कहाँ से लिया? जी, गोयंका हाउस से। उन्होंने मेरी बहन का सामान कबाड़ी वाले को दे दिया। मेरी बहन का सामान उनके लिए कबाड़ी था, उसे चामे दे देते। दादी रोमिल जीजू और अवनी के साथ मंदिर गई हैं। सोनी आंटी पे पाठ कर रही हैं। यही मौका है नहर के साथ टाइम बिताने का। भले ही वो थोड़ा बिजी है, लेकिन उसकी मनपसंद की कॉफी पियूंगी उसके साथ बैठ के, और दो चार बातें करूंगी ना, तो हमारा प्यार फिर से जिंदा हो जाएगा। इस वक्त कौन आ गया जी? मिस अग्नि के लिए गिफ्ट है। मेरे लिए गिफ्ट है? अब एक काम करोगे आप, प्लीज उसे वहां रख दोगे? मुझे कौन गिफ्ट दिया है? जगह जगह पर इस रस्सी पर निशान बना दिया है। अब धीरे धीरे ये झूमर अग्नि के ऊपर आएगा और एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा, और अग्नि को इस बात का पता नहीं है। अग्नि को लगेगा कि ये झूमर उसके ऊपर गिरेगा और वो उसके नीचे दब जाएगी। ए भगवान, लगता है रोहित की आत्मा फिर से भटकने लगी। रोहित, नहार! नहार! सोनी आंटी!
तुम्हें मुझे सच बताना ही होगा। नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम भूत हो, भूत। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है अग्नि। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। देखना चाहती हो तुम? जब तक तुम अपना सच कबूल नहीं कर लेती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और तुम्हारी भी आत्मा यही भटकेगी इसी झूमर के नीचे। सच बताओ अपनी, बताओ तुमने मुझे क्यों मारा? ये आवाज कैसी? अरे ये दरवाजा जैम कैसे हो गया? पाठ पूरा हो गया है, एक बार जाकर नाहर को देख आती हूँ। गुनाह कबूल करती हो नार? ये अजीब सी आवाजें कहां से आ रही है? ऐसा लग रहा है तेज हवा चल रही है। देखकर आती हूँ कहां से आ रही है आवाजें। अग्नि बताओ, माफ कर दो रोहित। अग्नि सच बताओ, अग्नि क्यों चीख रही है? अग्नि, बताती हूँ, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मैं तुमको सब सच बताती हूँ। बताओ। बताती हूँ, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।